हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर। तो आज हम देखेंगे कुछ ये जादू वाला बैग से, इट्स अ शिपाटो बैग। तो इसका कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल है ये। तो वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, पहले आप उसको रेफर करना, उसके बाद फैब्रिक की कटिंग करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी, डीप होता है ये बैग। 5 kg के आसपास का ये पूरा मेरा सामान है इसके अंदर। ओके, तो आज हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट, लाइक फोल्डेबल है, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने पर्स में या हबी के पर्स में या बच्चों के बैग में भी आराम से ये बैठा रहता है। तो आइए इसका कटिंग देखते हैं। तो ये देखिए, 14x14 का मेरा बैग है, और बहुत ही, जो मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, उसको पढ़ने के बाद ही आपने कटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका मेजरमेंट्स एंड कटिंग। तो ये देखिए, ये मैंने जो फैब्रिक ली है, इसकी जो विथ ली है मैंने 19 इंचेस ली है। ओके, ऐसे आपने 19 इंच लेना है, और लेंथ एक पूरा ही लंबा कपड़ा लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पर मेरी फैब्रिक का प्रिंट वन डायरेक्शनल था, तो मुझे जॉइंट लगाना हो पड़ा, तो वो आपने नहीं करना है। और लेंथ इसकी आपने लेनी है पूरी 40 इंचेस। ओके, दिस इंक्लूड्स सीम, सब इसके अंदर सीम मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये एक हो गया, ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। सेकेंडली हमारे आते हैं हैंडल कवर्स। ये आपको 4 कट करने हैं, जिसकी विथ होगी 2.5 इंच एंड लेंथ होगी इसकी 8 इंच। तो ठीक है, ये 2.5 इंच और 8 इंच के 4 पीस आपने कट करने हैं, ये इसको हम कहेंगे हैंडल कवर्स। ओके, फिर उसकी होगी, बात आती है हैंडल्स की। तो ये मैंने रेडीमेड वेबिंग ले लिया है, 19 इंच की लेंथ ली है, और आपको ऐसे ये 2 पीस लगेंगे। फाइनली आता है एज कवर। एज कवर ये मैंने 2 लिए, ये भी मैंने वेबिंग ही यूज़ की है, और 10 इंच की लेंथ मैंने इसकी ली है। तो एंड द बोस्ट, ये 2 पीस आपको कट करने हैं, ठीक है। एंड फाइनली फोल्ड करने के लिए हमें इलास्टिक लगेगा, तो ये मैंने 8 इंच का इलास्टिक भी लिया है। ये हमारे पास सब रेडी कर लिया आपने, ठीक है। अब सबसे पहले हैंडल कवर्स को आपकी साइड से 1 सेंटीमीटर आप आयन कर दीजिए इस तरह से। देखिए, मैंने इसे पहले ही आयन कर दिया है। आयन करने के बाद ऊपर से आप इसको पहले ऐसे 1 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे, अगेन 1 सेंटीमीटर फोल्ड कर देंगे, तो फिर बाद में यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये 4 पीस आपको सिलाई लगा के रेडी रखने हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरे 4 पीस रेडी हो चुके हैं, 4 हैंडल कवर्स रेडी। अब बारी आती है हमारी मेन फैब्रिक की। तो मेन फैब्रिक को सबसे पहले ऊपर से आपने 1/2 इंच में फोल्ड कर देना है दोनों साइड से। ओके, जो मैंने विथ ली है 19 इंच, वहाँ पर की ये बात कर रही हूँ मैं। दोनों साइड से फोल्ड करके आप रख लेंगे। ये मेरी दूसरी साइड, और ये कंप्लीट होने के बाद फिर बारी आती है इसके ऊपर, इसको वंस अगेन हम फोल्ड करेंगे। अब वो फोल्ड कितना लेना है आपने, तो देखिए, ये जो हमने हैंडल कवर्स बनाए थे उसकी विथ और इसकी विथ दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसको, हैंडल कवर को इसके ऊपर रख दीजिए एंड मार्किंग कर दीजिए, वहीं से आपने फोल्ड करना है, ठीक है। तो वंस अगेन आप इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे लंबी सी। चाहे तो आप पहले पिनअप कर दीजिए दोनों साइड्स को, तो आपको आसानी होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस पे अपने टॉप पे सिलाई लगा ली है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो हैंडल है उसको दोनों साइड से सिलाई लगा के इसके ऊपर साथ फिक्स कर देंगे अपनी मेन फैब्रिक के साथ, ठीक है। आप चाहे तो, बस मैंने एक वर्टिकल सिलाई ली है। ओके, आप चाहे तो इसके अंदर स्क्वायर भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैंने सिर्फ एक सिंपल सीधी सीधी सिलाई कर दी है, स्ट्रेट स्टिच। ओके, तो चारों साइड आपने सिलाई करके ये हैंडल को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर देना है।
अब बारी आती है इसके ऊपर हमारे हैंडल कवर लगाने की। तो देखिए, जो अनस्टिच पार्ट है, जिसको हमने सिलाई नहीं किया है, उसने आपने आपको एजेस पे रखना है उसको, और पिन अप कर दीजिए उसमें। और फिर हम सिर्फ 3 साइड सिलाई लगाएंगे, ठीक है? पहले दोनों साइड पिन करके रख लेंगे आप सेम वे में। जो अनस्टिच पार्ट है वो अनस्टिच के साथ में रहेगा, ठीक है? तो ये लिया और आपने इसको पिन अप कर दिया। अब सिलाई हमने सिर्फ 3 साइड लगानी है। जिस साइड हमारा जो सेंटर का पार्ट है, वहाँ पर हमारी सिलाई नहीं लगेगी, सिर्फ 3 साइड सिलाई लगेगी। आपको बता देती हूँ मैं। सी, पहले ऐसे ऐसे एन ऐसे, टोटल सी, अल्फाबेट सी के हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। बीच का पार्ट खुला रखना है। देखिए, मैंने फिंगर रख के बता दिया आपको, तो ये पार्ट आपने खुला रखना है। तो हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर सेम वे में। आपको 4 जो हमारे हैंडल कवर्स हैं, वो अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके रख लेने हैं। सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। तो ये देखिए, मेरा एक पार्ट लग चुका है। मैं आपको पिन निकाल देती हूँ। और ये देखिए, ये इस तरह से आप खींच के देख लीजिए, कहीं आपका वेबिंग तो नहीं सिला गया है हैंडल कवर लगाते वक्त। वैसे चांस नहीं है, क्योंकि हमने अलाउंस लिया है, बस स्टिल। ओके, तो सेम वे में दूसरी ओर भी करके आप चारों हैंडल स्टिच कर लीजिए। अभी देखिए, मेरे हैंडल सब स्टिच हो चुके हैं। अब बारी आती है जो मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट के यहाँ से आपने पूरे आपके फैब्रिक पे, रॉन्ग साइड पे, 3-3 इंच के निशान लगा देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिंक कलर चौक से लगाए हैं। और ये आपने निशान लगा के इसको आपने आयरन कर देना है, ठीक है? ऐसे लेंथ वाइज पकड़ के, जैसे हम प्लीट्स के लिए लेते हैं। तो यहाँ हम इसके प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। और ये जैसे जैसे आप लेते रहेंगे, उसको आयरन कर दीजिए। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ही आयरन कर लिया था, सो दैट फिर आपको मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तो ईजी हो जाएगा। सो ये लिया, वंस अगेन इसके ऊपर सब प्लेट्स एक के ऊपर एक आपको रखती जानी है। जिस तरह हम साड़ी की प्लेट्स लेते हैं ना, उसी तरह से आपने करना है, ठीक है? तो ये लिया और साइड पे आप इसको ऐसे पिन कर दीजिए, या जो भी आपके पास क्लिप है उसको क्लिप से उसको फिक्स कर दीजिए इस तरह, सो दैट ये आपका फैब्रिक हिलेगा नहीं, और साथों साथ आपने आयरन करते रहना है। और फाइनली ये जो हमारा हैंडल वाला पार्ट है, वो इसके ऊपर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको दूसरी साइड भी रिपीट करना है। ओके, और आयरन करना ना भूलिए, बिकॉज आयरन कर देंगे तो क्या होगा, वो प्लीट्स बैठी रहेंगी एंड आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। अभी देखिए, मेरे दोनों प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सिलाई आराम आराम से लगानी है आपने, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक काफ़ी थिक होगा। ओके, ये पार्ट थिक होता है। तो दोनों साइड सिलाई लगा के फिर आप इसके ऊपर हम एज कवर लगाएंगे, ठीक है? तो आपके जो एज कवर हैं, वो यानी कि वो हमने जो वेबिंग ली थी, ठीक है? तो वो मैंने यहाँ पर वेबिंग लिया, आप फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो वेबिंग ईजी हो जाती है। तो देखिए, पहले आप चेक कर लीजिए वेबिंग को। तो यहाँ पर लिया, फिर पेंसिल से निशान लगा दीजिए इस पे, जहाँ पर वो उसकी अपने सिलाई लगानी है, ठीक है? तो सिलाई लगा के वंस अगेन फिर आप उसको चेक करेंगे कि ये आपने जो सिलाई लगाई है वो परफेक्ट है या नहीं। अगर टाइट है तो थोड़ा सिलाई निकाल दीजिए, और लूज़ है तो थोड़ा सिलाई लगा दीजिए, बट ये चेक करना ज़रूरी है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई ठीक आई है। अब इन दोनों को आप पलट लेंगे, सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब हम इसको, हमें इंसर्ट करना है अपने साइड्स पे। तो आप सबसे पहले साइड्स को ट्रिम कर दीजिए, उसके एजेस, और एकदम स्मूथ हो जाएगा वो। तो जितने भी धागे हैं, वो यही स्टेज पे आपने सब आपके धागे कट कर देने हैं, ठीक है? और फिर आपने अपनी ये जो वेबिंग, जो कवर है, एज कवर, उसको लगा देना है। ये इस तरह से अंदर जाएगा। और फिर आपने 2 वर्टिकल सिलाई लगानी है सिर्फ। ओके, जो लंबाई वाली सिलाई है, इस तरह से 2 लगा के इसको फिक्स कर देंगे अपने बैक के साथ में, ठीक
ठीक है, अब ये मेरा फैब्रिक बैग बन गया है। तो ये बैग के साथ में आपने लगाया एजेस पे और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। सेम प्रोसीजर आपने दूसरी ओर भी करनी है, बट दूसरी ओर हम इसमें इलास्टिक भी लगाएंगे। जब आप देख सकते हैं मेरा एक साइड कंप्लीट हो गया, बारी आती है दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड आपने जो इलास्टिक है उसको पहले बीच में फिक्स कर देंगे। आप चाहे तो सिलाई से भी फिक्स कर दीजिए, चाहे तो आप अपने नीडल एंड थ्रेड लेके भी आप उसको हाथ से भी टाके मार के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं अपना ये कवर लगा दूंगी और फिर वही आपने दो सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये मेरा बैग यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो मैं क्या आशा कर सकती हूँ आपसे, आप समझ जाइए। और ये जो अब जो मेरी टिप्स आ रही हैं, आप प्लीज़ पहले उसको फॉलो कीजिए एंड देन फिर आपने उसको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये सी, अब बारी आती है टिप्स की। तो टिप्स के लिए आपकी जो फैब्रिक है उसका कोई एक डायरेक्शन वाला प्रिंट मत लीजिए। मैंने वही लिया था तो मुझे जॉइंट लगाना पड़ा था। तो हमेशा ऐसा फैब्रिक लेना जिसकी प्रिंट कोई भी डायरेक्शन में हम कटिंग करें सेम ही रहेगी। सेकेंडली, आपका फैब्रिक थोड़ा हल्का होना चाहिए, लाइक रेयॉन या नायलॉन। तो उससे क्या होगा, आपका फॉल अच्छा आएगा तो आपका बैग का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और यदि आप मेरी तरह वन डायरेक्शनल प्रिंट लेते हैं तो पहले जॉइंट लगा लीजिए एंड जॉइंट लगाने के बाद फिर आप उसकी लेंथ कट करेंगे, ठीक है। नंबर 4, आपने आपके हैंडल कवर्स जो है उसको आयरन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने आयरन करके रखा है तो जब आप उसको अपने बैग के साथ अटैच करेंगे हैंडल कवर्स को, तो आप आसानी से इस पर सिलाई लगा दोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, आप मोड़ने मोड़ने में ही आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। सो आपने आयरन करना ज़रूरी है। प्लीट्स को भी आप अच्छे से आयरन करेंगे, और यदि आपका कपड़ा रेयन या नायलॉन रहा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आयरन करने के बाद प्लीट्स को आपके बैग का लुक कितना अच्छा हो जाता है। और इलास्टिक को जब आप लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा इलास्टिक रखा हुआ होता है तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले उसको स्ट्रेच कर लीजिए 2-3 बार, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड देन फिर आप उसको अपने रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार कट करेंगे। तो ये टिप्स आप पहले नोट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद ही आपने कटिंग करना है, खास करके ये फैब्रिक के डिज़ाइन, क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ कि मुझे भी मीन्स लाइक बाद में पता ध्यान आया कि मैंने वन डायरेक्शनल प्रिंट ले ली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको भी एक्सपीरियंस हो गया, मुझे भी हो गया। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब बारी आती है हमारे प्रोडक्ट को देखने की। सो ये मेरा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको पता ही है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सेविंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। लव यू ऑल।